अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हो वो आप डायरेक्ट मोबाइल की सुन रहे हो, तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ और धीरे धीरे करके पीछे जाता हूँ, फिर आप आवाज़ सुनो। हेलो दोस्तों, हमने लिया ये हॉलीलैंड का लार्क M2 माइक्रोफोन अपने मोबाइल से ब्लॉग के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो ये हमने कहाँ से खरीदा, कैसे खरीदा और कितने का है, इसका वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हो। इसको हमने ऑनलाइन नहीं, इसको ऑफलाइन खरीदा था, क्योंकि ऑनलाइन हमने खरीदा था तो हमारे साथ थोड़ा स्कैम हो गया था। हाँ। उसकी वीडियो भी अलग से है, स्कैम वाली भी, अमेजोन से स्कैम हो गया था, हमको रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया था, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। और ये हमने कहाँ से खरीदा, इसका ये ब्लॉग आप देख सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन पहले ये वीडियो आप देखना, उसको बाद में देखना। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। इसको ये देखो ओपन करते हैं, सबसे पहले इसमें निकलता है उसमें कुछ पेपर वगैरह मिलता है, देखो ये बुकलेट ऐसे यूज़ करना है सब है। और इसमें आपको मिलता है ये स्टिकर, ये देखो ये टोटल है 18 स्टिकर। ये किस काम आने वाला है मैं आपको आगे वीडियो बताऊँगा। और ये हमारा माइक है, और इसमें क्या क्या मिलता है बताता हूँ आपको। इसमें एक पाउच है, देखो एक पाउच के अंदर बहुत सारी एक्सेसरीज है इसके अंदर। देखो सबसे पहले तो एक चार्जिंग केबल मिलता है, एक केस भी है और एक चार्जर भी है, इसे हम चार्ज भी कर सकते हैं, उसके लिए एक केबल मिलता है। और ये दो जो है क्लिप मिलते हैं, इसको हम ऐसे लगा के कहीं भी अपने माइक को फंसा सकते हैं। इसके अंदर मैग्नेट भी है, देखो लोगो। उसके बाद ये दो जेड कार्ड मिलते हैं, इसके बहुत सारे नाम है, इसको हम जेड कार्ड बोलेंगे। इसके दो जेड कार्ड मिलते हैं, इसमें दो आपको लॉकेट बोलेंगे, गले में पहनते हैं लॉकेट मिलेंगे। हाँ, ये भी काम आने वाला, आपको बताता हूँ किस काम आने वाला है, सब बताऊँगा। तो हमें इतने एक्सेसरीज मिले, अब हम खोलेंगे अपना माइक। ये देखो माइक है हमारा, तो इसमें मिलेगा आपको एक रिसीवर सी टाइप वाला जो हमारे मोबाइल में लगेगा, और दो मिलेंगे इसमें ट्रांसमीटर, और काफ़ी छोटे छोटे हैं, समझ लो 10 का जो डॉलर होता है डॉलर उससे भी छोटा है। तो ये कुछ हॉलीलैंड वाले कुछ इंडिक के बनाया है, क्योंकि जो मार्केट में और माइक मिलते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े मिलते हैं, यहाँ लगा रहता है, और ये सबसे छोटा मार्केट में आया हुआ है। और यही हमने अमेजोन से ऑर्डर किया, लेकिन हमको आया नहीं, तो हमने ऑफलाइन लिया है। तो इसके बाद एंड्रॉयड मोबाइल है या आईफोन 15 है, वो ये सी टाइप वाला ले सकता है, या जिसको खाली आईफोन का लेना है तो आईफोन वाला भी आता है, जिसमें आपको सी टाइप का नहीं मिलेगा, आपको आईफोन वाला मिल जाएगा। चार ऑप्शन के मिलते हैं आपको, या तो आप सी टाइप वाला ले लो, या आप आईफोन वाला ले लो, या तो फिर आप एक जो सिर्फ खाली कैमरा में यूज़ होता है, कैमरे वाला ऐसा रिसीवर मिलेगा, कैमरे वाला ले लो, या तो फिर एक ऑप्शन और आता है कॉम्बो, इसमें कैमरे वाला भी मिलेगा आपको रिसीवर, और सी टाइप भी मिलेगा, और आईफोन का भी मिलेगा। तो आपको जो लेना वो ले लो, हम फिलहाल सी टाइप वाला हमने लिया है, वहाँ हमको सब मिल रहा था, लेकिन हमने सी टाइप का लिया है क्योंकि हमको सिर्फ अपने फ़ोन यूज़ करना है, हमारे एंड्रॉयड में भी लग जाएगा, और जो हमारे पास आईफोन अभी है वो आईफोन 15 है, तो उसमें भी लग जाएगा, कैमरा वगैरह हम यूज़ करते रहे, इसलिए हमने कैमरा वाला लिया नहीं। और सबके प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1500 का ही फ़र्क है, बस 1000-2500 का ही फ़र्क है। और ये केस है, ये चार्ज भी होता है, अब यहाँ देखो सी टाइप का ये बना हुआ है, यहाँ पे आप लगा के इसे, ये देखो इसको लगा के, ये अपनी इसको लगा दो, और ये इसको रिसीवर को और ट्रांसमीटर को इसी में डाल दो इस तरीके से, या इसे, और ये बंद कर दो, चार्ज भी होता है, अगर फुल चार्ज है, जब ये फुल चार्ज रहेगा तो चार लाइट है, चार लाइट जलेगी, जैसे जैसे कि चार्जिंग कम होगी लाइट कम हो जाएंगे, ये चार्ज भी होता रहेगा। तो एक ट्रांसमीटर जो है ये चलता है 10 घंटे, तो 10 घंटा ये और 10 घंटा ये, क्योंकि दो ट्रांसमीटर है, 20 घंटा हो गया। और इसके बाद फिर आप एक एक बार इसको चार्ज भी कर सकते हो, तो हो गया कितना, 40 घंटा चलेगा आपका ये, अगर एक एक यूज़ करोगे तो 40 घंटा हो गया, दो यूज़ करोगे साथ में तो भी 20 घंटा चलेगा। और हाँ, इसका मेन क्या है कि जो रिसीवर है इसका, इसको चार्ज करने की जरूरत भी नहीं है, बाकी जैसे रोड का आता है और DJI का आता है, तो उसका रिसीवर थोड़ा बड़ा रहता है, उसमें सिस्टम ज़्यादा रहते हैं, तो उसको भी चार्ज करना पड़ता है, लेकिन आपको रिसीवर चार्ज करना नहीं है, सिर्फ इसका ये चार्ज करना है। तो केस इसका समझ लो, ये बहुत काम की चीज़ है, समझ लो इसका पावर बैंक है ये, और आप रख के कहीं भी इसको कैरी भी कर सकते हो, ले जा सकते हो आराम से। और इससे तो सबसे मेन इसको मैंने क्यों लिया है, तो जैसे हम आप वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं, नॉइज़ आती है, हमारी आवाज़ बराबर आ नहीं पाती, लोगों की आवाज़ ज़्यादा आती है, गाड़ी की आवाज़, इसकी आवाज़, इससे क्या है हम आराम से लगा के ब्लॉगिंग कर सकते हैं, और कहीं की आवाज़ आई नहीं। तो इसके अंदर देखो ये मैग्नेट वाला, ये मैग्नेट निकाला हमने, ये देखो आप दिखाता हूँ, ये इसको हम मैग्नेट को ऐसा ऐसा अंदर डालेंगे, और ये लग गया हमारा चालू माइक, मुझे भी लगा हमारा माइक चालू हो गया, हम इससे बोलेंगे आवाज़ आएगी। तो काफ़ी छोटा है, क्योंकि सारे माइक सब बड़े बड़े, ये काफ़ी छोटा है,
और अगर आप टी शर्ट में या कहीं से क्लिप्स भी लगाना चाहते हो तो क्लिप्स भी लगा सकते हो इसे। तो अभी जो आप आवाज सुन रहे हो वो आप सुन रहे हो नॉर्मल मोबाइल की आवाज़। अभी हम आपको इसकी आवाज़ सुनाएंगे। ये रिसीवर को हम लगाते हैं मोबाइल में, जो मोबाइल चालू उसी में लगाते हैं हम। और ये ऑटोमेटिक है, इसके पास आप लगाओगे अपने आप ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेगा। कनेक्ट हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। दोस्तों आप पहले मोबाइल के माइक की आवाज़ सुन रहे थे, अब इस माइक की आवाज़ आ रही है। तो अब कैसी आवाज़ आ रही है आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि अभी हम इसको बाद में सुन सकते हैं, हमें पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही है। हाँ। तो सालिम के भी ऑन है, ये मेरा भी ऑन है। तो आप क्या बोलना चाहोगे कि आप मेरे जो पापा के चैनल को है उसको सपोर्ट करो, क्योंकि पापा के जो चैनल है उसमें मतलब व्यूज़ एकदम आ ही नहीं रहे। पहले तो फिर भी थोड़े बहुत आते थे लेकिन अभी आ ही नहीं रहे। तो आप प्लीज़ पापा के चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, मतलब जितने भी लोग हैं आपके मेंबर्स रिलेटिव सबके साथ वीडियो शेयर करो, क्योंकि मेरे चैनल पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। और व्यूज़ नहीं आएगा तो आपको पता है फिर क्या होगा, हमारी लाइफ जो है व्यूज़ से चलती है ना। हाँ। एक बार फैन चालू करो पहले। हाँ फैन चालू करो। तो आज कैमरा मैन हमारी रुकैया बनी है ना। हाँ। फैन चालू करेगी पहले, फैन चालू करो आप। ये तो खोड़ गई है, जल्दी करो फुल स्पीड में। हाँ फुल एकदम फुल स्पीड करो। तो अभी आपको फैन की आवाज़ आ रही है अच्छे से। इसमें कैसा है, एक बार इसको क्लिक करेंगे येलो वाला बटन को तो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो जाएगा। ऑन किया तुमने? हाँ कर दिया ऑन कर दिया। और उसके बाद इसमें भी ग्रीन लाइट जल जाएगी और मोबाइल में जो रिसीवर लगा है उसमें भी ग्रीन लाइट जल जाएगी, इस्तेमाल पड़ जाएगा। हाँ कैंसिलेशन ऑन है। तो अभी फैन की आवाज़ आ रही है, अब कैसी आवाज़ आ रही है आप लोग ध्यान देना और सुनना कि नॉइज़ कैंसिलेशन में कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ये बटन दबाओगे और ये बटन दबाओगे तभी एक में चालू होगा, एक बटन दबाओगे दोनों तो दोनों में चालू दोनों ऑन हो जाएगा। और रिसीवर से भी ऑन कर सकते हैं, जो मोबाइल में रिसीवर लगा उससे भी कर सकते हैं हम ऑन। और इसमें एक सिस्टम और है, अब यहाँ से जैसे अभी आप अकेले वीडियो बना रहे हो, ट्राइपॉड में मोबाइल लगाओ या कहीं आप रखे हो और थोड़ा दूर पे हो, तो आप इसको दो बार क्लिक करोगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन हो जाएगी, और दो बार क्लिक करोगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। ये सिस्टम है, इसलिए हमको लिया। और इसमें काफ़ी छोटा भी कंफर्टेबल है, छोटा कहीं भी सवाल लगा लो। और इसमें एक चीज़ हम और लगा सकते हैं, ये जो हमको मिला है क्लिप, तो हम लगा सकते हैं क्लिप ऐसा कहीं भी, क्लिप के साथ भी लगा सकते हैं। इसमें मैगनेट है देखो, लेकिन हम इसको इसमें लगाएंगे। तीन ऑप्शन मिलते हैं, तीन ऑप्शन मिलते हैं। तो इसको मैं बता दूं, पहले तो ये इसको ये कैसे करके चलो इसको मैं तालीम को रखता हूँ, तालीम को। और फिर दूसरा ये नेक वाला। हाँ चलो इसमें रखो, लगा दो। तो ये नेक वाला हो गया। नेकलेस है थोड़ा फैशनेबल लगेगा, थोड़ा सा। और जो मैंने आपको बोला स्टिकर बताऊंगा, तो स्टिकर जो मेरा 18 के साथ देखो, ये 18 स्टिकर स्पीकर हम इसके ऊपर लगा सकते हैं ताकि इसका लोगो ना दिखे। अगर आप चाहते हो तो इसको लोगो ना दिखे, थोड़ा इमोजी लगा देंगे अच्छा प्यारा लगेगा, छुपा भी सकते हैं उसको लगा के। ये हो गया, और डेट कैट तो है ही, उसको भी हम हवा वगैरह में लगा सकते हैं। और होता क्या है इससे, जैसे रेड केयर नहीं हो, इनको रेड केयर होता है जैसे हम अभी स्कूटर पे चल रहे या बाइक पे चल रहे या कहीं ऐसी जगह खड़े हैं, यहाँ हवा आ रही है तो हवा को ना इसमें फर की आवाज़ आती है ना, तो आवाज़ नहीं आएगी, वो उसको किल कर देगा आवाज़, नॉर्मल तुम्हारी आवाज़ ऐसा लगा उसका। थोड़ा बाहर जाके थोड़ा दूर से भी सेट करते हैं, दूर से कितनी आवाज़ रिकॉर्ड होती है। हाँ बाहर जाकर के भी कुछ डेमो वेमो मतलब करना चाहिए ना। हाँ यार, वरना पता कैसे चलेगा कि सही है कि नहीं। हाँ यार सालिम भाई। दोस्तों अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हो वो आप डायरेक्ट मोबाइल की सुन रहे हो, तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ और धीरे धीरे करके पीछे जाता हूँ, फिर आप आवाज़ सुनो। तो दोस्तों अभी ऑन हो चुका है, तो अभी मैं पीछे जाता हूँ और आप आवाज़ सुनो, ठीक है? तो आप तो आवाज़ आ रही है कि नहीं बताना ज़रूर। रुको, और अभी मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, तो आवाज़ आ रही है कि नहीं अभी भी बता दो मुझे भाई। और पीछे जाता हूँ, रुको थोड़ा। तो दोस्तों अभी मैं झूला झूलता हूँ, रुको बताओ, ठीक है? ये 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 देखो, झूला झूलते वक्त भी आपको आवाज़ आ रही होगी एकदम क्लियर। तो दोस्तों अभी मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर देता हूँ, और तो दोस्तों अभी नॉइज़ कैंसिलेशन देखो ऑन हो चुका है, ठीक है? ये देखो अब तो बताना बिना नॉइज़ कैंसिलेशन के आपको कैसी आवाज़ आ रही थी और क्या डिफरेंस आपको देखने मिला, ज़रूर बताना, ठीक है? आपको भी बाहर सब रोड पे रोड यहाँ दिख रहा है, गाड़ियाँ वगैरह जा रही है, इसकी आवाज़ भी आ रही होगी। तो एक बार नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करता हूँ, फिर आप लोग आवाज़ बताना कैसी आ रही है। पहले आप लोग एक बार आवाज़ सुन लो, फिर अब ऑन करता हूँ।
अब आपको मेरी आवाज़ कैसी आ रही बताना। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा, ये छोटा सा गार्डन है, यहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं और सालिम झूला झूल रहा है वहाँ पे। तो हो सकता है आपको क्लियर आवाज़ आ रही हो। तो आप लोग को पता है मेरे, मुझे बोलने में तकलीफ़ है। तो पहले मेरी आवाज़ कैसे निकलती थी, अब इस माइक को लगा के मैं अगर बोल रहा हूँ तो कैसी आवाज़ निकल रही हो, वो जरूर बताना आप लोग को। मेरा कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होती है। अब आप लोग सोच रहे हो मारिया नहीं आज, तो मारिया स्कूल में है, उसका आज क्या है मारिया का, हाँ तो मारिया के स्कूल में आज फेयरवेल है, तो इसलिए मारिया स्कूल में है। तो आज वो हमारे साथ वीडियो में से है नहीं, सालिम का फेयरवेल है नहीं, इसलिए सालिम वीडियो में आज है। तो किसी गैजेट का वीडियो समझ लो मैं इस तरह पहले बना रहा हूँ, तो जितनी जानकारी से नॉलेज था मैंने आपको बता दिया। और इसका प्राइस भी कम है, क्योंकि आपको मालूम है रोड का जो आता है बड़ा वाला माइक को आता है 30-35 हज़ार का, DJI का भी जो माइक आता है वो भी आता है 30-35 हज़ार का, और ये कितने का हमको पड़ा 13.5 हज़ार का, ऑनलाइन अमेजोन पे है 15 हज़ार का। तो आप चाहे ऑनलाइन खरीद लो चाहे ऑफलाइन खरीद लो, ये काफ़ी बेटर है, कंफर्टेबल है। तो आपको हमारा माइक और हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया इसके बारे में, अगर पसंद आया हो आप लोग, और ये कोई हमारा मतलब इसका प्रमोशन नहीं कर रहे, हम लोग खरीद के लाए हैं, वीडियो सब हमारे पास, इसका वीडियो देख लो हम यहाँ खरीदने गए थे। और अगर हमने कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम लोग गैजेट का वीडियो बनाते नहीं है, आज पहली बार मैंने मतलब ऐसा कुछ बनाया है। तो जो भी गलती हो सॉरी यार, माफ़ कर देना, और वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना और थोड़ा सपोर्ट कर दो मेरे चैनल को, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि आप लोग से मैं बोल सकता हूँ, किससे बोलूँगा कि भाई सपोर्ट है या सब्सक्राइब है, लाइक शेयर, आप लोग से मांग सकता हूँ, आप लोग से बोल सकता हूँ, मेरा हक है आप लोग से बोलने का। तो प्लीज़ मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए थोड़ा मुझे सपोर्ट कर दो, मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए, व्यूज़ वगैरह आएँ, क्योंकि बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं, आप लोग की बहुत मेहरबानी होगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।